नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके डी के एकेडमी में। हम और आप मिलके पढ़ेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मिल्खा सिंह को। तो मिल्खा सिंह जी को क्या कहते हैं? भारत का फ्लाइंग सिख कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, मिल्खा सिंह भारत के फ्लाइंग सिख। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य जो है तो खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। आप ये क्वेश्चन यहीं पे याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो ये आपको पता ही है, राष्ट्रपति जो है तो संसद को भंग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विखंडन के आधार पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, रेलवे बजट को सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया है? रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक अत्याचारों की प्रधानता है? तो इसका आंसर है हीनयान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है चरवाक। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये केरल का है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये एंडीज पर्वतमाला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गेरून नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आता है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पायरोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको ये जीके के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही जीके के क्वेश्चन और आपके पास उपलब्ध करा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीके डीके। कुछ नया